सवा ग्यारह का टाइम हो चुका है और हमारा काम डन हो चुका है। कपड़े धुल गए हैं, झाड़ू पोछा हो गया है, ब्रेकफास्ट हो गया है, पेंशन नहा के नीचे जा चुका है। ठंड बहुत है, कपड़े बहुत ज़्यादा नहीं थे, दो दिन से पेंशन साथ में कपड़े ज़्यादा गीले नहीं कर रहा है, ज़्यादा क्या कर ही नहीं रहा है, तो इसलिए कपड़े कम ही हो रहे हैं, बेडशीट नहीं हो रही है, पेंशन के नीचे जो कपड़े बिछाते हैं वो भी नहीं हो रहे हैं। सो कपड़े कम ही थे आज, पर हमने धो दिए। मौसम फ़िलहाल तो धूप निकलने के कोई आसार लग नहीं रहे, निकल जाए तो बहुत अच्छी बात है। पेंशन सुबह सुबह नहा धो के नीचे चला गया है, उसको ब्रेकफास्ट करा दिया था। और ये देखिए मम्मा मम्मा करते हुए पेंशन जा रहा है ऊपर। नहीं पेंशन ऊपर मत आओ, हम नीचे आ रहे हैं। पेंशन ऊपर मत आओ बेबी, मम्मा नीचे आ रही है, रुको, मम्मा के साथ जाना नीचे। ये पेंशन कितनी ठंड हो रही है बेबी, कहाँ जा रहे हो? ऊपर मैं नहीं जा रही, ऊपर कोई है ही नहीं है? नीचे आओ, ऊपर कोई है ही नहीं, सब काम फिनिश हो चुका है ऊपर का, अब नीचे आएंगे। आओ जल्दी से, देखो जल्दी हो गया है नहा धो के, ठीक है ऊपर कोई है नहीं, हम नीचे जा रहे हैं, आपको पेड़ा काटेगा क्या पकड़ लो, ऊपर जा रहे हो, ऊपर कोई है नहीं, सबको बोलो हेलो हेलो पकड़ ले, देख लो बच्चे नीचे करते हो, इस पर लटकोगे ना नीचे गिरोगे, नीचे आओ, मैं जा रही हूँ नीचे, फिर टाइम जा रही है। बहुत ठंड हो रही है बेबी, बहुत ठंड हो रही है, छोड़ो ना, नीचे चल के दूंगी ना, नीचे चल के दूंगी बेटा, गिरा दिया ना आपने तो मुझे, मम्मा को दो, एक तो खराब हो गया बेटा, दूसरा भी खराब हो जाएगा। आओ नीचे हाथ पकड़ के आओ मम्मा, आओ धीरे धीरे, बड़ी डेंजरस है, डर लगता है कि कहीं प्रेशर निकल के गिरना हो जाए। ऐसे नहीं करो, सीधे तो मजाक नहीं करते, चलो धीरे 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 आगे लग रहा है, तो अच्छा लग रहा है, नीचे धीरे धीरे आओ, देखो गिर जाओगे, ये इन चीज़ों से बच के आओ, ये चीज़ें बड़ी ही डेंजरस हैं, हम गिरे ना गिरे पर ये जरूर गिराएगा हमें और खुद भी गिरेगा, जो किसी के लिए गड्ढा खोदता है वो उसमें खुद गिर जाता है। अभी संकट के साथ ऐसा ही कुछ होने वाला था, हमें रखा गया था और खुद उसमें धीरे से गिरना सीखा था, हमें संकट बचाना है, हमें उसे गिराना नहीं है, ये तो बच्चा है, हम बड़े हैं, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। संकट के साथ अच्छी खासी ठंड हो रही है, आप लोगों के लिए हमें काफी ख्याल रखना पड़ेगा। फिर
अब हो रहे हैं शाम के 3:30। हम आए ऊपर, गजब की है। तो बस पूछ रहे हैं, लंच वंच का काम कंप्लीट किया है, लंच वगैरह के आज हमने आलू टमाटर मटर की सब्जी, और ठंड हो रही है गजब की, बंद नहीं हुआ, ये अंधेरा हो रहा है यहाँ पर। लाइट्स, एक्स्ट्रा लाइट्स हम कर देते हैं ऑफ। देखिए सब सब लाइटें पड़ी पड़ी हैं, इन लाइट्स को हम कर देते हैं ऑफ। फिर अंधेरा हो गया, और अब जो हमारे कपड़े हमने घर से बाहर सुखाए थे उनको ये भगवान मान फैला पड़ा है। पहन रखे हैं चूल्हे, रंशु गया है आज घूमी घूमी करने। कल तो जैसे कि आप लोगों ने ब्लॉग में देखा होगा, प्रिंसेस गया था मंदिर में, कीर्तन कराया था मम्मी ने मंदिर में। कल पूरी दोपहर उसकी मंदिर में ही लगी थी, और आज फिर चला गया है प्रिंसेस घूमने। प्रिंसेस गया है प्रिंसेस को लेने के लिए, चाहिए क्योंकि यहाँ टैक्सी के बाद आ रही है, आपको मेरी कुछ भी बात सुनाई नहीं दी होगी। तो ये देखिए हमारे मंदिर की लाइट जगमगा रही है, दिवाली मनाई जा रही है। आपके कपड़े तो आज सूखेंगे भी नहीं, सूखने का नाम भी नहीं लेंगे कपड़े, इनको हम अंदर उठा के डाल लेते हैं। मौसम कातिल हो रहा है, कातिल मौसम कत्ल कर रहा है, इतनी ठंड है। वैसे तो सेंसर्स को रजाई में तो जाकर सुला देना चाहिए था, बट हमारा काम कंप्लीट होने से पहले ही वो गाड़ी में जाके बैठ चुका था। एक बार गाड़ी में बैठ जाए तो फिर किसी की दुनिया की कोई ताकत नहीं कि पंचो को गाड़ी में से बाहर निकाल दे। और ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा, एक बार पंचो गाड़ी में बैठ गया तो बैठ गया, फिर वो किसी की नहीं मिलता। गाड़ी, चाबी और फोन, ये तीन चीज ऐसी हैं जिनसे प्रिंसेस को बहुत ज़्यादा लगाव है। कल भी जब प्रिंसेस मंदिर में जा रही थी, देखिए क्या हाल है मौसम का, कपड़े इस तरह से सुखाने पड़ रहे हैं। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कि कल जब प्रिंसेस मंदिर में जा रहा था, प्रिंसेस के पापा ने गाड़ी को स्टार्ट करके छोड़ दिया था, बट ये आइडिया आया थोड़ी देर में कि प्रिंसेस के आने का टाइम हो चुका था, तब प्रिंसेस के पापा को ये आइडिया आया। और जैसे ही हमने देखा कि प्रिंसेस आ रहा है, हमने फटाफट गाड़ी में वो स्टार्ट गाड़ी को बंद करके फटाफट से हमने चाबी निकाली, नहीं तो प्रिंसेस हमसे फिर लड़ने लगता और फिर वही लड़ाई करता कि मुझे गाड़ी में बैठना है, मुझे गाड़ी की चाबी चाहिए। ओह, बहुत ठंड है भाई, हवा भी चल रही है कटीली 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 हवा, मन नहीं लगता प्रिंसेस के बिना, वो शैतानी करता है, लड़ता है, झगड़ता है, फिर भी उसके बिना मन नहीं लगता। बच्चा है, धीरे धीरे सीख जाएगा सब कुछ,
छोटा है घर में, पर ऐसा भी नहीं है कि हमने उसको छोटेपन की वजह से सर पे चढ़ा रखा है, ऐसा भी कुछ नहीं है। बट बस थोड़ा सा ज़िद्दी हो रहा है, और बात नहीं, जैसे बड़ा होगा समझ जाएगा कि ज़िद करना अच्छी बात नहीं है। हमने कभी ज़िद नहीं की। ओ ये हवा मार डालेगी हमें। देखिए मौसम, देखिए मौसम, मतलब सुबह की धुंध ख़त्म नहीं होती जाने की, और शाम की शुरू हो जाती है आने के लिए। और भाई बहुत ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है। सब आराम से अपने घर में ठंड से बचे भाई, बहुत ज़्यादा ठंड है। ये देखिए पेड़, देखिए पेड़ हिल रहा है, ठंडी हवा चल रही है। क्या करें सर्दी का, गर्मी में गर्मी से परेशान रहते हैं, सर्दी में सर्दी से परेशान रहते हैं भाई। मौसम है, वेदर है, गर्मी सर्दी तो चलती ही रहेंगी। तो चलिए हम ये कपड़े मेज़दार पे डाल लेते हैं, सबसे जब नीचे जाएगा तब आपसे हम बातें करते हैं। और दोस्तों आज का सर्दी भरा दिन कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा सभी के लिए, सर्दी बहुत अच्छी रही है। देखिए प्रंशु, प्रंशु सर्दी लग रही क्या? ए प्रंशु, प्रंशु लुटी लुटी कर रहा है। प्रंशु ठंड है ना? प्रंशु ठंड है ना? प्रंशु हाँ, आज तो दोस्तों सूर्य देव ने दर्शन बिल्कुल नहीं दिए हैं, और इसी तरह प्रंशु भी छिपना चाह रहा है। जैसे सूर्य देव अंदर बादलों में छिपे हुए थे, प्रंशु भी अंदर छिप गया है। चलिए दोस्तों इसी ठंडी के साथ, ठंड की ठंडी भरी आहट करते हुए आप सब लोगों से विदाई लेते हैं। प्रंशु सोने की तैयारी कर रहा है, आप सब लोग भी सो जाओ। थैंक यू, स्वीट ड्रीम। कल फिर मुलाकात करेंगे नए उत्साह नए जोश के साथ। नमस्कार, गुड नाइट, गुड नाइट।